दिसंबर 2019 में ही देश की संसद से पारित CAA को अब पूरे देश में लागू कर दिया गया है। लेकिन सवाल है कि CAA के लागू होने से भारत के आम आदमी पर क्या असर होगा? क्या CAA की वजह से भारत के किसी हिंदू को किसी तरह की सुविधा मिल जाएगी, या क्या CAA की वजह से भारत के किसी भी मुस्लिम को किसी तरह का कोई खतरा है? आखिर CAA में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं? और क्या ये विरोध CAA का नहीं NRC का है जिसे लागू करने के लिए CAA को लाया गया है? आखिर 11 मार्च 2024 को लागू हुए CAA से देश में क्या बदल गया है? आज इस पर विस्तार पर बात करते हैं। अगर CAA के असर को कोई एक लाइन में बताया जाए तो भारत में किसी भी धर्म को मानने वाले किसी भी शख्स पर इस CAA का कोई असर नहीं होगा। भारत के हिंदू हों चाहे मुस्लिम, सिख हों चाहे ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध या फिर कोई और धर्म के लोग, उनका इस CAA से कोई लेना देना नहीं है और उनके रोजमर्रा के जीवन में इसका कोई असर नहीं होना है। तो सवाल है कि फिर असर किस पर होगा? ये असर होगा अपने मुल्क के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों पर, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। अब उन्हें CAA के जरिए भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन इसमें एक पेच है और ये पेच है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए मुस्लिमों को ये नागरिकता नहीं मिलेगी, बल्कि इन तीन देशों से जो गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई भारत आए हैं, उन्हें ही ये इस देश की नागरिकता मिलेगी। तो मतलब साफ है कि CAA का असर किस पर होगा और किस पर नहीं, क्योंकि हम और आप और हमारे पूर्वज सदियों से इस देश में ही रहते आए हैं और हम यहीं के नागरिक हैं, तो हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। बस जहां असर आना है वो ये होगा कि इस देश की आबादी में थोड़ा और इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इन पड़ोसी देशों से जो शरणार्थी आए हैं अब वो भी इस देश के नागरिक हो जाएंगे और इस देश की जनसंख्या में उनकी भी गिनती की जाएगी। अब रही बात इसके विरोध की, तो इसका विरोध मुस्लिम समुदाय और उसमें भी कुछ चुनिंदा समूह की ओर से हो रही है, और वो ये चाहते हैं कि अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान से मुस्लिम भी भारत आकर यहाँ की नागरिकता चाहते हैं तो उन्हें भी नागरिकता दी जाए, लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं है। विरोध की सबसे बड़ी वजह यही है, लेकिन ये वजह ऊपरी तौर पर दिख रही है, असली वजह कुछ और है और वो वजह है NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो अभी लागू नहीं हुआ है। विपक्षी दलों के साथ ही कुछ मुसलमानों का मानना है कि CAA NRC लागू करने का पहला चरण है, यानी कि CAA आ गया तो NRC भी आएगा ही आएगा। NCR से पहले आएगा NPR यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये सरकार का एक दस्तावेज है जिसमें देश के सभी लोगों का नाम शामिल होता है। ये बताता है कि किस गांव में, किस जिले में, किस राज्य में और इस पूरे देश में कितने लोग हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में उन लोगों का नाम शामिल किया जाता है जो किसी जगह पर पिछले 6 महीने या उससे ज्यादा वक्त से रह रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों का भी नाम शामिल किया जाता है जो उस क्षेत्र में अगले 6 महीने या उससे ज्यादा वक्त तक रहने वाले हैं। इसमें अपने देश के नागरिकों के साथ ही उन विदेशी लोगों का भी नाम शामिल होता है जो किसी गांव, कस्बे या शहर में पिछले 6 महीने से रह रहे हैं या फिर अगले 6 महीने तक रहने वाले हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में 2011 की होने वाली जनगणना के साथ साथ इस रजिस्टर को भी बनाया गया था। इसके लिए अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 के बीच सरकारी कर्मचारी लोगों के घर घर गए और सूची तैयार करके एक डाटाबेस बनाया। अपने देश में हर 10 साल में जनगणना होती है। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। कोरोना की वजह से 2021 में होने वाली जनगणना अभी तक नहीं हुई, तो अगली जनगणना से पहले नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा, तब आएगा NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अभी तक ये असम में लागू है और असम का NRC कहता है कि आपको असम का नागरिक होने के लिए इन 14 में से कोई एक दस्तावेज होना जरूरी है, जैसे कि 1951 के NRC लिस्ट में नाम, 24 मार्च 1971 की वोटर लिस्ट में नाम, जमीन और किरायेदारी का कागज, नागरिकता सर्टिफिकेट, स्थायी निवास सर्टिफिकेट, रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, LIC की कोई पॉलिसी या सरकार की ओर से जारी कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेट,
सरकारी नौकरी या फिर नौकरी का सर्टिफिकेट, बैंक या पोस्ट ऑफिस का सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, बोर्ड या यूनिवर्सिटी में की गई पढ़ाई का सर्टिफिकेट, कोई अदालती रिकॉर्ड या फिर उसकी कार्यवाही का कागज। इन 14 में से किसी भी एक दस्तावेज पर अपना या अपने किसी पुरखे का नाम होना चाहिए और जो भी दस्तावेज पेश किए गए हैं वो 14 मार्च 1971 से पहले का होना चाहिए। अगर इन 14 कागजात में से किसी एक पर भी आपका नाम था तो उसे NRC में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी भी दस्तावेज में पुरखे जैसे पिता, बाबा, दादा या उससे पुरानी पीढ़ी का नाम था और अप्लाई करने वाले का नाम नहीं था तो उसे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करने थे। इनकी बिलिस्ट NRC की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।